रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, आज का टॉपिक क्या होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद ये सेकेंड आपका सेकेंड टाइप का फिनोमेना है. ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता था, आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता था, इसमें जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होती थी, कोई लाइट रे जब टकराती थी तो ये क्या करती थी, उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती थी. मतलब सारा कुछ क्या हो रहा था, सेम मीडियम में हो रहा था. कब? जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे. ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता था, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता था. ये आपका फर्स्ट था. सेकंड फिनोमेना जो अब हम पढ़ रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसमें क्या होगा, दो मीडियम इन्वॉल्व रहते हैं. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, कोई लाइट रे क्या करेगी, अपना जो पाथ है वो चेंज कर लेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में. मान लो ये आपका कोई मीडियम है, ठीक है, ये कोई मीडियम है आपका, ये कोई दो मीडियम है ना, ये आपका एयर है और ये आपका वाटर है. ये एयर है, ये वाटर है. क्या होगा, पहले तो लाइट रे इंसिडेंट करेगी. लाइट रे अगर मान लो पूरे में एयर होती तो लाइट रे से सीधी 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 चली जाती. लेकिन यहाँ पे हो रहा है मीडियम चेंज. ये पहला मीडियम आपका एयर है, मान लो म्यू वन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ले लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है. ठीक है, अलग अलग मीडियम है, एक मीडियम आपका एयर है और एक मीडियम क्या है आपका वाटर है. दो अलग अलग मीडियम होने की वजह से ये लाइट रे सीधे सीधे नहीं जाएगी, बल्कि ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी. ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी. तो इसको क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. समझ में आया? ठीक है, तो जो चेंज इन पाथ होता है, पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया. क्यों चेंज हो गया पाथ, क्यों चेंज हो गया, कब चेंज हो गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त. तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. समझ में आया? यस मैम. ठीक है, अब इसे कह रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे भी जैसे हमने लॉज देखे थे, रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज होंगे. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ तो वही सेम कि जो आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पहला लॉ सेम, जो आपका इंसिडेंट रे, ये जो हो रही है पहले मीडियम में जो रे है इसे क्या कह रहे हैं, इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे और ये अपन की रही नॉर्मल रे. ठीक है, ये नॉर्मल रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन से रे कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे. ये तीनों ही रेज एक ही पॉइंट पे होंगी, सेम पॉइंट पे होंगी. ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ कह रहा है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे. जो रिफ्रैक्टेड रे है ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन, सेम पॉइंट. ठीक है, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सेकेंड लॉ क्या होता था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सेकेंड लॉ अपना होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे क्या होता है कि आपके ये जो मीडियम है अलग अलग हो सकता है. हो सकता है ये मीडियम डेंसर हो, ये मीडियम रेयरर हो, हो सकता है ये वाला मीडियम रेयरर हो, ये वाला मीडियम डेंसर हो. तो उस हिसाब से ये जो लाइट रे है ये बेंड होती है. कभी ये इस नॉर्मल के पास आती है, कभी ये इस नॉर्मल के पास आती है, कभी ये इसकी दूर जाती है. तो इसलिए यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता. तो यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ